सवाल खड़ा होता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है या फंडामेंटल एनालिसिस। गाइस दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी कंपनी को चूज करने में फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प करता है और उसको ट्रेड करने के लिए आपकी टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है। तो जहां एक अच्छी कंपनी में क्या खरीदें, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स खरीदना है, क्यों खरीदना है, क्या लॉजिक है, क्या उसकी कार बिक्री है, क्या उसका प्रोडक्ट सर्विसेज बिक रहा है मार्केट के अंदर में, आपको इन्फोसिस में ट्रेड करना है, इन्फोसिस क्यों खरीदें, क्यों खरीदें का डिसीजन जो आप लेंगे वो लेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे। वो कंपनी क्या है, क्या स्ट्रेंथ है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस सब कुछ है ना। उसके बाद जब ट्रेडिंग करने बैठते हैं, आपने सपोज कीजिए उसको यहां पे खरीदा, वो स्टॉक यहां तक चला गया, फिर यहां पे बेचने के बाद उस स्टॉक वापस आएगा, दोबारा एंट्री करनी है क्या, ये कौन बताएगा, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। यहां पे निकलना है क्या, ये कौन बताएगा, टेक्निकल एनालिसिस। तो बेसिकली ये जो चाल है इसको स्टडी करने के लिए, ये एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो होते हैं, री एंट्री पॉइंट्स जो होते हैं, इनको स्टडी करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, ये तो बोथ आर इंपॉर्टेंट, यू कैनॉट स्किप ईदर ऑफ दीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं, प्लेजिंग ऑफ योर शेयर्स। आपने प्लेज को बिल्कुल आप गिरवी रखना, प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। इन सिंपल वर्ड्स आप प्लेजिंग ऑफ शेयर्स को क्या कहेंगे, टेकिंग लोन अगेंस्ट शेयर्स। आपके पास जो शेयर्स थे आपने उसको या तो ब्रोकर को प्लेज कर दिया, उसके अगेंस्ट आपने मार्जिन ले लिया फर्दर ट्रेडिंग करने के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या आपने शेयर्स को आपने प्लेज किया किसी भी ऐसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के पास में जो सिक्योरिटीज को शेयर्स को एक्सेप्ट करती है एज ए कोलेटरल। कभी आप होम लोन लेते हैं तो वो बहुत सारी बैंक है जो आपके शेयर्स को एज ए कोलेटरल ले लेते हैं, तो बेसिकली आपको उसके अगेंस्ट में लोन दे देते हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्लेज। आपने शेयर्स को प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया वहां पे, ना प्लेजिंग। जनरली लोग स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, अपने स्टॉक्स को प्लेज करते हैं ब्रोकर के पास में, प्लेज साइन करते हैं और उसके अगेंस्ट फर्दर लिमिट ले लेते हैं, क्योंकि आज के डेट में मार्जिन रूल्स बहुत टाइट है। अगर आपके पास अपफ्रंट मार्जिन अवेलेबल नहीं है, आप पोजीशंस नहीं ले सकते, फ्रेश शेयर्स नहीं बाय कर सकते, पर अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जिस्टिंग इक्विटी आपको हेल्प करे कुछ नया लेने के लिए, तो आप अपने शेयर्स को अपने ब्रोकर को प्लेज कर सकते हैं। प्लेज के अगेंस्ट में आपको ठीक ठाक से लिमिट मिल जाती है, जिसके अगेंस्ट में अगर आप कभी भी फ्रेश बाइंग करना चाहें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और लेटर ऑन उसको मार्जिन सप्लाई कर सकते हैं ब्रोकर को, ताकि पेनल्टीज को आप अवॉइड कर सकें। गाइस इस वीडियो सीरीज में हम सिर्फ उन कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, उन ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं जिससे आप इस मार्केट से फैमिलियर हो जाएंगे, आप इससे परिचित हो जाएंगे। कोई भी न्यूज चैनल पे न्यूज देखेंगे या किसी से डिस्कशन करेंगे तो ये वर्ड आपको परेशान नहीं करेंगे। अगला शब्द देखने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहती है तो उससे पहले पब्लिक को कहा जाता है, भाई इनिशियली क्या आप मेरे शेयर को बाय करना चाहते हैं इससे पहले कि मैं एक्सचेंज में लिस्ट कराऊं। तो ये आपके पास मौका होता है पहले से एक अच्छे खासे प्राइस के ऊपर उसको अप्लाई करने के लिए। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर इज अ प्रोसेस कि जहां पे आप किसी भी शेयर को लिस्ट होने से पहले खरीद सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस कौन सी होती हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं लाइक एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। कमोडिटीज की है जहां पे एग्रो का बहुत अच्छा बिजनेस होता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जहां पे एमसीएक्स, जहां पे मेटल्स का बहुत अच्छा ट्रेड होता है, आईसीएक्स, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जहां पे अपनी सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज को आप ट्रेड कर सकते हैं। कभी कभी आप इस वर्ड को सुनेंगे व्हाट इज अंडरलाइंग, कि आपने अंडरलाइंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अंडरलाइंग क्या है, जिस भी एक्सचेंज में आप काम कर रहे हैं वहां पे जो लिस्टेड इक्विटी या कमोडिटी है उसको हम अंडरलाइंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो करेंसीज हो, जिस भी एक्सचेंज पे आप काम कर रहे हैं ट्रेडेबल एक्सचेंजेस के ऊपर में, उन सबको हम अंडरलाइंग भी कहते हैं। ये एक टिपिकल टेक्निकल वर्ड है जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट हो सकता है आपके डिस्कशन में कभी आए कि अंडरलाइंग, अंडरलाइंग क्या है, अंडरलाइंग इज अगर आप करेंसी मार्केट्स में काम करें तो अंडरलाइंग क्या है, करेंसीज है। अगर आप कमोडिटी मार्केट्स में कह रहे हैं कमोडिटी आपकी अंडरलाइंग है, अगर आप इक्विटी मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपकी इक्विटी आपकी अंडरलाइंग है। ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि शेयर होल्डर क्या होता है। कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को खरीद ले विदाउट साइनिंग द पार्टनरशिप, यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। आप एक कंपनी के, जी हाँ, बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। कोई डीड साइन करने की जरूरत नहीं है, कोई एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है, कोई वकील बैठाने की जरूरत नहीं है। शेयर्स बाय कीजिए और उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाइए, शेयर होल्डर। आप समझते हैं कि इक्विटी मार्केट्स के अंदर में, स्टॉक मार्केट्स, एसएमई स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर में कौन कौन से लोग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं? आप एज एन इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस माल खरीद सकती हैं, प्रमोटर्स खुद एक शेयर होल्डर होते हैं, एफआईआईज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर के लोग विदेशी निवेशक यहां पे पैसा लगाते हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हमारे इन्वेस्टर्स हो सकती हैं। सुना होगा म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा वर्ड है जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे निवेशक अपना थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं एक फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे किसी कंपनी को चूज करता है, 40-50 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाता है और प्रोराटा बेसिस पे जितने जितना पैसा दिया होता है उसको फ्रैक्शंस में आपको एक एनएवी अलॉट हो जाती है, एक यूनिट्स अलॉट हो जाती है। यहां पे शेयर्स नहीं मिलते, आपको एनएवी मिलती है, एक यूनिट्स मिलती है, बट वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कहां करता है, स्टॉक मार्केट में वो शेयर्स खरीदता है। फॉर एग्जांपल 2500 रुपए का रिलायंस है,
है, पर आपने 2000 रुपए दिए इन्वेस्ट करने के लिए, अब उसके पोर्टफोलियो में 40 शेयर है तो आपके पास रिलायंस तो नहीं आएगा। तो क्या करता है वो 2000 2000 2000 पूरी पब्लिक ने, अगर मान लो 1000 लोगों ने मिलकर 2000 × 1000 रुपए उसको जमा कराए हैं, अब 2000 का तो रिलायंस आप नहीं खरीद सकते, 2000 में 40-50 शेयर्स भी आप नहीं खरीद सकते। तो ऐसा में वो क्या करता है, मान लीजिए 2000 के उसके पास 1000 क्लाइंट्स हैं, तो बेसिकली पूरा हो गया 2,20,00,000 रुपया। 20 लाख रुपए से जो 40-50 शेयर का पोर्टफोलियो उस फंड मैनेजर ने बनाया है वो सभी में इन्वेस्ट करेगा, सभी शेयर्स में, और जिसने जितने जितने पैसे दिए होंगे उसकी उसको NAV फ्रैक्शंस में विच आर कॉल्ड एज यूनिट्स, वो आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। तो शेयर होल्डर नहीं बनेंगे आप म्यूचुअल फंड खरीदने पे, आप यूनिट होल्डर बनते हैं। आपको यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं होते, आप शेयर होल्डर नहीं कहलाते यहाँ पे, आप यूनिट होल्डर कहलाते हैं। यहाँ पे आप एनुअल जनरल मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकते, आपको वोटिंग राइट्स नहीं होते, सिर्फ आप यूनिट होल्डर कहलाते हैं। हाँ, जैसे जैसे शेयर चलेंगे वैसे वैसे आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी चलता है, अगर वो गिरेगा शेयर गिरेगी तो पोर्टफोलियो भी गिरेगा, अगर आपके शेयर बढ़ेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। बट हाँ, जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनके लिए म्यूचुअल फंड इज बेस्ट टू स्टार्ट इन टू स्टॉक मार्केट।